हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा और आज मैं आपके साथ हूं अपने यूट्यूब चैनल द अनुराग मिश्रा शो पे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करेगा, और टॉपिक है आपके प्रोनाउन से रिलेटेड, और प्रोनाउन में भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसा नाम से ही पता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका मतलब ये हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन। अब वो दो के बीच में हो सकता है या दो से ज्यादा, यानी एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शो करने वाला टर्म होता है, और टर्म्स हैं ईच अदर एट वन एंड अदर। आगे की हम बात शुरू करें तो जैसा मैं पहले भी बताता चला आया हूं कि अगर आप एकेडमिक्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रामेटिकल रूल कुछ अलग दिखेंगे, और हर एक राइटर, जैसे आप देखते हैं कि ग्रामर एक ही पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं लिखा हुआ है, हर एक राइटर का इसमें, हर एक जो लिंग्विस्टिक है उनका अपना योगदान रहा है, तो उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश राइटर को फॉलो करेंगे तो आपको उनके रूल ज्यादा अच्छे लगेंगे, अमेरिकन को करेंगे तो उनके रूल आपको ज्यादा अच्छे लगे हैं। वही चीज यहाँ पे भी होती है, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ईच अदर और वन अदर की, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। कुछ कुछ खास करके जो एकेडमिक्स की बात की जाए तो वहां पे तो बोला जाता है कि फॉर टू पीपल्स वी यूज ईच अदर, मोर देन टू के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं, जिसपे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलें तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू द लाइक बटन्स एंड व्हाट एवर यू वांट टू शेयर विद योर ग्रुप्स आल्सो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ईच अदर एंड वन अनदर की, तो सबसे मेजर डिफरेंस अगर हम ईच अदर में और वन अनदर में करते हैं तो वो अदर की बात आती है, यानी एक एक्स्ट्रा एन लगा हुआ है अगर हम समझने के दृष्टि से देखें। यानी ईच अदर जहां पे दो लोगों की बात की जा रही हो उनमें आपस में एक दूसरे की बात की जाती है, जैसे राम और श्याम एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहे वो विचार की बात रही हो या फिर कुछ बुक्स की बात की या कोई और टर्म्स की बात की जा रही हो, यानी एक दूसरे से। हम कभी एक तीसरे की बात नहीं करते हैं, वन थर्ड पर्सन की बात नहीं होती है, चाहे वो 50 लोग क्यों ना हो। लेकिन सेम वैसे ही कंडीशन जब आ जाती है कि जहां दो से ज्यादा लोग होते हैं तो स्पेलिंग आपकी आती है अनदर, यानी अदर के आगे एन एक आर्टिकल लगा दिया जाता है, वो उसी के साथ लगा रहता है। मैं समझने के लिए इसको बता रहा हूं, यानी अदर के साथ कुछ और हो गया, यानी आप जब भी एन अदर देखिए तो उसको आप समझने के लिए समझ लीजिए कि दो से ज्यादा होंगे, अदर के आगे एन यानी दो से ज्यादा ही होगा। तो ईच अदर दो लोगों के लिए, वन एन अदर दो से ज्यादा लोगों के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की बात। हाँ, लेकिन एग्जांपल्स पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अच्छे न्यूज़पेपर द हिंदू और बाकी सारी चीजों को देखते हैं वहां पे आपको ये सारे डिफरेंशिएट नहीं मिलेंगे। आप वहां ये नहीं कह सकते हो कि एडिटर ने गलत लिख दिया है, वो किस राइटर को फॉलो कर रहे हैं डिपेंड करता है। वहां पे पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। फॉलोइंग वाइज अगर हम देखेंगे तो वन अनदर का यूज हम करते हैं मोर देन टू के लिए, और ईच अदर का प्रयोग करते हैं टू के लिए। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं ईच अदर की। ईच अदर की अगर हम बात की करती है तो यूज्ड विद टू पीपल के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इसमें अगर हम देखें तो जैसे विशाल एंड मोहन हेल्प ईच अदर, विशाल और मोहन एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाता है कि दो लोग हैं, विशाल और मोहन है, ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। सेम चीज अप्लाई होता है एक और एग्जांपल के साथ, हम देखते हैं द टू गर्ल्स कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। दो टू गर्ल्स कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, तो यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ किया जा रहा है, यानी जब भी आप दो लोगों के बीच में आप कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं वन एंड अदर के। दे गेव प्रेजेंट्स वन एंड अदर, यानी उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिए। एक और एग्जांपल देखेंगे, राम मोहन एंड श्याम नो
वन अनदर, राम मोहन एंड श्याम एक दूसरे को जानते हैं। यहां हम एक तीसरे का नहीं यूज करेंगे, एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दो से ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग किया गया है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक आज हमने कवर किया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, वन अनदर एंड ईच अदर का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी आप इस पे अपने जो सजेशंस बुक आपको स्कूल से मिली गई हैं उनको आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे प्रोनाउन में, तो वो चीजें आपकी कवर होंगी। धीरे धीरे हम प्रोनाउन के और भी पार्ट को कवर करेंगे, लेकिन अभी हम पूरे एकेडमिक सेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा रहे हैं। पूरा एकेडमिक सेशन हमारा जून से स्टार्ट होने वाला है, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।